हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने में लगातार प्रयासरत हैं। प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना मुख्यमंत्री मनोहर लाल का लक्ष्य है और इसी कड़ी में हरियाणा सरकार किसानों के हित में फैसले लेकर उन्हें दिन प्रतिदिन दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की कराने में मदद कर रही है। प्रदेश सरकार की तरफ से किसानों को मिल रही सब्सिडी और योजनाओं के लाभ से ही आज हरियाणा का किसान प्रगतिशील बन रहा है। हरियाणा का किसान आज कम लागत में अधिक मुनाफा कमाकर विकास की राह पर अग्रसर है। बागवानी विभाग के सहयोग से आज किसान को खेती के अलग अलग गुर सीखने को मिल रहे हैं। प्रदेश का किसान ये समझ रहा है कि किस तरह वह रासायनिक खेती को छोड़कर प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़कर लाभ कमा सकता है। किसान अब फसलों को रासायनिक खेती से होने वाले नुकसान को ध्यान में रखकर जैविक खेती का रुख कर रहा है ताकि किसी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न हो। ऐसी ही एक प्रगतिशील किसान है उषा, जो अपने परिवार के साथ अपने खेतों में जैविक खेती करती हैं। प्रगतिशील किसान उषा ये बताती हैं कि जैविक खेती करने से फल और फूल की पौष्टिकता बनी रहती है। इसके साथ ही रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल न होने से जमीन की उर्वरक क्षमता भी बढ़ती है। जैविक खेती करने से लागत भी कम आती है और मुनाफा अच्छा मिलता है। उषा बताती हैं कि उन्होंने सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हुए अपनी खेती में पोली हाउस का भी निर्माण किया हुआ है, जिनका उन्हें अच्छा लाभ मिलता है। हम 5-7 साल से खेती कर रहे हैं। इसमें हम गोभी, खीरा और मिर्च वगैरह लगाते हैं और मैं और मेरा परिवार इसमें खेती करता है। हमने पॉली हाउस लगा रखा है। पहले हम धान, गेहूं ऐसी खेती करते थे, तो हमें किसी दूसरे किसान ने बताया कि आप खीरा, गोभी, सब्जी वगैरह लगाओ तो उसमें आपको बहुत फायदा होगा। प्रगतिशील किसान उषा अपने परिवार के साथ मिलकर जैविक खेती को आगे बढ़ा रही है। इस बीच किसान युवराज ये बताते हैं कि वो अपनी माता पिता के साथ अपने खेतों में फल और फूल की जैविक खेती करते हैं। वे बताते हैं कि लगभग 5 साल से वे इस तरह की खेती कर रहे हैं। मेरा नाम युवराज है। मैं और मेरे पिताजी प्राकृतिक खेती करते हैं। हम फल फूल उगाते हैं, सब्जी उगाते हैं। हमने पॉली हाउस लगा रखा है। इसमें हम केमिकल का यूज़ नहीं करते हैं और जो हम सब्जी लगाते हैं उसका हमें बाज़ार में अच्छा रेट मिलता है, कम लागत में अच्छा मुनाफा मिल जाता है। हम तहे दिल से खट्टर सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं और अपने सभी किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहते हैं कि आप भी इस खेती को करें। हमने इसमें बहुत मुनाफा मिलता है और हम इतना ही कहना चाहते हैं कि आप इसमें खेती करें। किसान युवराज अन्य किसानों से भी जैविक खेती करने की सलाह देते हैं और अपील करते हैं। इसके साथ ही वे हरियाणा सरकार का धन्यवाद भी देते हैं। युवराज का कहना है कि हरियाणा सरकार की ओर से मिलने वाली सब्सिडी और अन्य योजनाओं का लाभ उठाकर किसान खेती में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। हमें भी किसी पड़ोस के किसान भाई ने ही बताया था कि इसमें कम लागत में अच्छा मुनाफा होता है। सरकार आपकी कोई मदद करती है? हाँ, सरकार भी बीच बीच में हमें मुनाफा मिलता रहता है। क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो बस यही कहना चाहते हैं अपने किसान भाइयों से कि आप भी इस खेती को करें, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। प्रगतिशील किसान उषा बताती हैं कि पॉली हाउस खेती करने से उन्हें कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमाने का मौका मिलता है। परंपरागत खेती की अपेक्षा पॉली हाउस में खेती किसानों को अच्छे मुनाफे देती है। इसके साथ ही सरकार भी अब किसानों को पॉली हाउस लगाने के लिए सब्सिडी प्रदान करती है। पॉली हाउस की खेती एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से सब्जियों और फूलों की खेती वैसे सीजन में भी की जा सकती है जब उसके अनुकूल वातावरण ना हो। प्रतिकूल मौसम में परिस्थितियों में भी पॉली हाउस में खेती की जा सकती है। सरकार की तरफ से भी हमें बहुत फायदा हो रहा है। सरकार की हम दिल से धन्यवाद करते हैं, मनोहर लाल खट्टर जी का। हमें बहुत फायदा है। जैविक खेती की विधि रासायनिक खेती की विधि की तुलना में बराबर या अधिक उत्पादन देती है।
अर्थात जैविक खेती मृदा की उर्वरता और साथ ही कृषकों की उत्पादकता बढ़ाने में बेहद महत्वपूर्ण है और सहायक भी है। जैविक विधि द्वारा खेती करने से उत्पादन की लागत तो कम होती ही है, इसके साथ ही किसानों को आय अधिक प्राप्त होती है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्पर्धा में जैविक उत्पाद अधिक खरे उतरते हैं। इसके फलस्वरूप सामान्य उत्पादन की अपेक्षा में किसानों को अधिक लाभ होता है। किसान बताते हैं कि वह अपने खेतों में फल और फूलों की जैविक खेती करते हैं। इसके साथ ही सरकार की तरफ से मिलने वाली सब्सिडी का भी किसानों को अच्छा लाभ मिलता है। प्रगतिशील किसान उषा प्रदेश सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए सरकार का धन्यवाद करती हैं। वह बताते हैं कि सरकारी योजनाओं से उन्हें किस प्रकार लाभ मिला है। इसके साथ ही वह अन्य किसानों से भी अपील करती हैं कि रासायनिक खेती को छोड़कर प्राकृतिक खेती का रुख करें, इसमें ज्यादा लाभ है और ज्यादा मुनाफा भी। हम किसान भाइयों से यही कहना चाहते हैं कि इसमें बहुत फायदा है, इसमें कम मेहनत में बहुत लाभ होता है। किसान सत्यदेव अपने खेतों में चाइनीज खीरा सहित अन्य सब्जियों की खेती करते हैं। वह कहते हैं कि इस तरह की सब्जियों की खेती करने से उन्हें अच्छा मुनाफा मिलता है, तो वहीं परंपरागत खेती से हटकर जैविक खेती वो कर रहे हैं। इसके साथ ही अपने प्रगतिशील किसान सत्यदेव सरकार की तरफ से मिलने वाली सब्सिडी की भी जानकारी देते हैं और साथ ही इसके लिए सरकार का धन्यवाद भी करते हैं। वे कहते हैं कि सरकार के सहयोग से हम खेती में अच्छा मुनाफा कमा पा रहे हैं। वे कहते हैं कि धान की खेती करने से ज्यादा लाभ उन्हें होता है और इस तरह से सब्जियों की खेती करने में भी उन्हें फायदा मिलता है। मेरा नाम सत्यदेव है, मैं गांव बाता से बिलोंग करता हूं। हम प्राकृतिक खेती करते हैं। हमने अपने यहां पर चाइनीज खीरा सब पालेज जिसमें गोभी है और बाकी सभी सब्जियों की हम खेती करते हैं, जिसमें सरकार हमें समय समय पर सब्सिडी देती है, जिसका हम सब्सिडी से हमें लाभ मिलता है। बीजों पर भी हमें सरकार सब्सिडी देती है और बाकी जैसे धान हो गया और फसल हो गई, हम इन फसलों को छोड़कर उनके अपोजिट इन फसलों में हमें बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है, जिससे हमें अपने उज्जवल भविष्य का बच्चों का भविष्य सुधार रहे हैं। और हम सभी किसानों से अनुरोध करते हैं कि आप सभी जैविक खेती करें और बाकी धान वगैरह छोड़ के और अन्य फसलों को छोड़कर खीरा फसल सब्जियों पर सब्जी की खेती करें, जिससे उन सभी को लाभ होगा। और मैं इसमें खट्टर सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। रहने वाला हूँ, संजय मेरा नाम है, मैं जैविक की खेती करता हूँ, फूल व सब्जी पत्तियों की खेती करता हूँ और जैविक से खेती करता हूँ, ना कि कोई अन्य मैं जो है का वो नहीं रखता हूँ। और मेरे किसान भाइयों जैविक की खेती करें, ना कि किसी और पे जोर दें, जैसे कि फल है, फूल है, सब्जी है। कब से खेती कर रहे हैं आप? मैं कई साल से खेती कर रहा हूँ। किस किस चीज़ की खेती कर रहे हैं आप? मैं जैविक की खेती कर रहा हूँ, जैसे कि फल की है, सब्जियों की है, फूलों की है, गोभी है, मटर है, टमाटर है, मिर्च है। सरकार की तरफ से कोई अनुदान राशि मिलती है? हाँ, खट्टर सरकार ने बहुत सब्सिडियां भी दी है। मैं धन्यवाद करता हूँ कि खट्टर सरकार ने हमको इतना दिया कि हम खुश हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने में लगातार प्रयासरत हैं। प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना मुख्यमंत्री मनोहर लाल का संकल्प है और लक्ष्य भी है। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार किसानों के हित में भी फैसले लेकर उन्हें दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने में मदद कर रही है। प्रदेश सरकार की तरफ से किसानों को मिल रही सब्सिडी और योजनाओं के लाभ से ही आज हरियाणा का किसान आधुनिक खेती की ओर बढ़ रहा है। प्रदेश का किसान आज ये जानता है कि कैसे कम लागत में अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है।